वेलकम बैक टू द मैथ फॉर ईयर्स। आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप लोगों की एक एग्ज़ाम डेट है 13/12/2017, ठीक है। यहाँ पर आप सिंपल सा देख सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ 13/12/2017, ठीक है। तो धीरे धीरे आपके चार सेट हो चुके हैं, चार या तीन आई थिंक, मुझे ध्यान नहीं है, 11/12, हाँ जो भी है सीरियल से ही चल रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग जुड़े रहें चैनल से, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और अपने पूरे पूरे पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपको भाई साहब टेलीग्राम पर आना पड़ेगा, ठीक है। टेलीग्राम में आपको जैसे ही प्रैक्टिस सेट खत्म होगा उसके बाद तुरंत उसमें प्रोवाइड करा दिया जाता है, ठीक है भाई। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से, ठीक है। तो आज सरल सरल ही सवाल करेंगे, आपको पता है मैं किस तरीके से, इसी तरीके से आप प्रैक्टिस सेट भी अप्लाई करेगी, जो जो आपकी पहली नजर में सवाल हो जिसमें कोई कैलकुलेशन ना हो, एकदम देखते ही खत्म हो जाए सवाल, वो सवाल पहली नजर में किया करो, उसके बाद दो बार में अटेम्प्ट किया करो मैथ को हमेशा, ठीक है भाई साहब। चलिए पहला सवाल देखते हैं, ये सब बातें होंगी। ये देखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये इसमें क्या लग जाएगा, ए स्क्वायर, यहाँ पर देखिएगा इसमें लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सिंपल सा लग जाएगा या नहीं, लगा देंगे, हल कर लेंगे, इसमें कुछ ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। इसको उधर ले जाना, इसको ए प्लस बी ए माइनस बी करके लगा दोगे तो बड़ा आसानी से यार सवाल हो जाएगा, इसमें कुछ है नहीं, अपने हिसाब से कर लो सिंपल सी कैलकुलेशन, ठीक है। और उसके बाद अगर हम लोग देखें अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। 2 क्या सेब संतरे की 5, 7, 8 है, हाँ तो सिंपल सा ये भी है, 500 कर लो, 700 कर लो, 800 कर लो, कोई दिक्कत है, 2 जीरो बढ़ा दी, उसके बाद फलों की फलों से क्या इतनी इतनी बढ़ा दी, तो फलों का इनके बाद बढ़ाने के बाद अनुपात क्या हुआ, यही तो बोल रहा। तो सीधे 40% कोई भी वैल्यू अपने आप में कितनी होती भाई साहब, 100%। तो 140% यहाँ से बढ़ा दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 700, सिंपल सा हो जाएगा या नहीं। 50% बढ़ा दिया जाए तो 750 है, 350 और जोड़ दो, कितना हो जाएगा, इतना 700 में 350 जोड़ दिया इतना, उसके बाद 75%, 75% ये बढ़ा दिया जाता है, अर्थात 175, ठीक है। उसको आप इस तरीके से देखें, 175 100%, तो 175 × 8, 8 × 5 = 40, 4 × 8 = 56, 4 × 6 = 60, 8 × 6 = 14, 1400, ये आपका आ गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी, एक ही लाइन में सवाल हो गया है, नहीं बस अब रेशियो निकाल दो, इसको काट दो, सारा कट चट जाएगा, 7 से काट दो 10, ये आ जाएगा आपका 15, ये 2, बस 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15, 5 × 6 = 20, 2 × 3 = 4 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। सिंपल सा है सवाल, कोई दिक्कत नहीं, चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल अगर आप देखेंगे तो ये समुच्चय के सवाल है, ठीक है। समुच्चय के जितने भी सवाल हैं, दो ही कॉन्सेप्ट में छोड़ रहा हूँ, सेट समुच्चय, क्रमचय संचय, इनकी अलग से क्लास लेकर डिटेल से पढ़ाऊंगा सारे सवाल लेकर, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए, मुश्किल से 10 या 12 क्वेश्चन समुच्चय के हैं और इतने ही क्रमचय संचय के, ठीक है। तो इनको बाद में ही रखेंगे क्योंकि अभी जो है डिस्टर्बेंस हो जाएंगी चीज़ें, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल पर। किसी स्केल की बड़ी मुमकिन लंबाई कितनी हो सकती है, बड़ी मुमकिन, ठीक है, समझ रहे हो ना, बड़ी से बड़ी ये सारी चीज़ हम क्या एस सी एम लेंगे, सिंपल सी बात, जिसकी लंबाई 12 मीटर, 8 मीटर 20, ठीक है, 4 मीटर सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर में आ रहा था, ठीक है, सभी को सेंटीमीटर में मान लो, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, ये 1200 हो जाएगा भाई साहब, ये तुम्हारा हो जाएगा 820, ये हो जाएगा 420, कोई दिक्कत कोई परेशानी। अब एस सी एफ निकालना है तो मैंने तुमको बता रखा है भाई साहब कि इन दोनों का हमेशा कोई भी वैल्यू का इनका जो तुम्हारी मन हो वो तुम ले लो, ठीक है। तो यहाँ से इसका ही ले लेते हैं, चाहे इसका ले लो, किसी का भी ले लो, तो इसका इसका ले लोगे तो फैक्टर कितने, डिफरेंस कितना आएगा, डिफरेंस आ जाएगा आपका 400, सिंपल सा आएगा ही नहीं, 400 देखने को मिल गया इसमें से। देखो अब इससे ये भी संख्या क्या कट रही है, नहीं कट रही, तो इसके फैक्टर से कटेगी, अर्थात आप 40 × 10 कर लें, कोई दिक्कत नहीं। अब 40 से काट के देखोगे तो ये नहीं कटेगा, कहीं कट रहा, नहीं कट रहा, ठीक है, 10 से कट रहा है, लेकिन बड़ी सी बड़ी चाहिए, ठीक है, फिर हमने 40 को तोड़ दिया तो 20 है, ऑप्शन भी देखते रहो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऑप्शन देखा तो 30 हट गया, 40 हट गया, 10 हट गया, 10 क्योंकि छोटा छोटा, 20 इज द राइट आंसर, 20 इसका फैक्टर होगा, 20 ये भी कट जाएगी, ये भी कट जाएगी, ये भी कट जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर ए, ए इज द राइट आंसर, सिंपल सा सवाल है, निकाल लिया हमने, ठीक है।
हमेशा डिफरेंस से ही निकालने की आदत डाल लो, ये भाग भाग दे के मत निकालना वहां पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है भाई साहब कि पी का 5% 10 है, क्यू का, सिंपल सा सवाल है यार, पी का बोला 5% 10 है अर्थात 1/20 10 है, 5% का मतलब 1/20, तो कितना आ गया, पी आ गया 200। अब उसने बोला क्यू का 10% 5 है, 1/10 अर्थात 5 है, मैं ऐसे ही करता हूँ, ठीक है, दिमाग में करने की आदत डालो, 10% का मतलब 1/10, तो इनटू गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 50, तो आर कमा क्यू पी के बराबर है, तो आर का क्या मान होगा, अच्छा आर जो है आर वो क्यू बटे पी के बराबर अर्थात क्यू बटे पी 50/200 तो 1/4 आर है, ये आर आर क्यू बटे पी के बराबर अर्थात 1/4, सिंपल सा आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो कभी कठिन आएगा प्रैक्टिस का, कभी सरल, वो तो चलता रहता है, ठीक है। 110/x का 42/5 मान ये है, तो इसका यार सिंपल सा सवाल है, 42 × 84 तो 20 आ जाएगा, इसमें गुणा कर दो, 11 से भाग भाग दे दो, ठीक है, सिंपल सा सवाल है, ये ऐसे लिखा हुआ है, 110/x का 42/5 840 ये दिया हुआ, जीरो से इसको काट दो, ठीक है, 42 से इसको काट दो, 2 आ गया, 5 × 10 बस आ गया आंसर 10, और ये अगर उल्टा हो जाएगा 11/10 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी भाई, 1/x है ये ना कि, तो 10/11 होगा, x का मान 11/10, सिंपल सी बात है, ठीक है। बच्चों वाले सवाल हैं उनको नहीं करेंगे, अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल अगर हम लोग देखें तो कुछ इस तरीके से दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 7, एक टंकी है, एक टंकी में एक रिसाव है जो कि 16 घंटों में खाली कर देता है, एक नल खोला जाता है जो 1 मिनट में इतने कर दे, अब 24 घंटे में खाली हो जाती है, तो टंकी की क्षमता कितने लीटर होगी। हमने बताया कि टंकी एक रिसाव जो 18 घंटे में खाली करती है, मान लिया वो ए है तो 16 घंटे में खाली करती है, इफिशियंसी माइनस होगी अगर खाली करने वाला नल है, इस बात को आप अच्छे से जाने। फिर बी वाला है, बी भर रहा है, ठीक है, एक नल खोला जाता है जिससे 1 मिनट पानी प्रवेश करता है, प्रवेश करने का मतलब भाई साहब भर रहा है, सिंपल सी बात है, और अब टंकी 24 मिनट भर जाती है, तो दोनों मिलाकर जब भर रहे हैं तो 24 घंटे में खाली हो जाती है अर्थात फिर माइनस, समझ रहे हो, खाली करने का मतलब क्या होगा माइनस, तो 16 और 24 का एलसीएम कितना होगा 48 होगा, यानी 16 + 32 = 48, 24 × 2 ये भी माइनस और ये भी माइनस होगा या नहीं भाई, ये भी खाली कर रहा है अभी भी खाली हो रही, तो यहां पर कितना लिख दें कि माइनस मतलब 2 आ जाए, माइनस 2 तो यहां पर कितना लिख दें, 1 लिख दें तो आ जाएगा या नहीं, माइनस 3 में से 1 घटाओगे तो माइनस, अर्थात ये 1 आ गया तो ये कितना होगा 48, सिंपल सी बात है। तो बस वही वो यार पूछ रहा कि तुमसे पूछ रहा कि 1 मिनट में 12 लीटर पानी प्रवेश होता तो अब टंकी की क्षमता होता, यहां से प्रवेश हो रहा इस वाली इक्वेशन से, तो 12 लीटर प्रवेश होता 48 × 12, ठीक है, और 1 मिनट में तो पूछ कितने रहा टंकी, अब 24 घंटे में, ठीक है ठीक, घंटे में 48 घंटे हैं तो बस इसमें 60 का गुणा कर दो आंसर आ जाएगा, 8 × 16 6 इकाई का अंक 6 दिख गया, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर भाई, 8 × 16 6 6 इकाई का 6 × 36 6 यहाँ पर ही है और कहीं नहीं है, देखो 5 × 4 = 7, ठीक है, सिंपल सा, गुणा नहीं करेंगे पूरा, अगर आपको कॉन्सेप्ट पूरा सही है तो गुणा नहीं करेंगे, ठीक है। ये आ गया आपका क्रमचय संचय, इसीलिए मैं बोलता हूँ क्रमचय संचय से लेकर सब कुछ आता है, तो वो आप पढ़ते रहें, ठीक है, वो मैं पढ़ाऊंगा भी अलग से उसकी क्लास, आप उसका टेंशन ना लें। जिन अंकों में 56 का फर्क है, समझते जाना, जिन अंकों में 56 का फर्क अर्थात डिफरेंस है, ठीक है, पहला अंक दूसरे का 2/9 तो उनका अनुपात है, ऑप्शन से लगा दे यार ऐसा सवाल, उसने बोला कि पहला अंक दूसरे का 2/9 है अर्थात 15/56 करोगे तो कहीं कट रहा, नहीं कट रहा, 16/81 नहीं कट रहा, 14/56 7 × 14 ये भी नहीं कट रहा, ठीक है, ये कट रहा आंसर, 8 × 16 8 × 9 = 72, पहला अंक दूसरे का 2/9, देखिए 2/9 केवल यही आंसर, ठीक है, ऑप्शन से भी करने की आदत डालो, हर एक सवाल लगाया थोड़ी नहीं जाता, ये हर एक काम करने का 25% हिस्सा अर्थात 25% का मतलब पार्ट वैल्यू 1/4, समझ लो अच्छे से, अर्थात 1/4 हो गया भाई साहब, तो 1/4 का मतलब टोटल काम आ गया 20 दिन, ठीक है, 20 दिनों में करेगा हरी की नहीं, सिंपल सा 1/4 × 5 के तो निकल गया 20 दिन, तो इस काम से 20 गुना बड़ा काम करने में, 20 गुना इसका बड़ा काम,
20 गुना बड़ा काम करने में कितने दिन लगेंगे? हरी एक काम का 25% हिस्सा, तो टोटल काम हमारा 20 निकल के आ गया, ठीक है। तो इस काम से 20 गुना बड़ा काम, तो 20 गुना बड़ा काम हमने कर दिया तो 20 का गुना हो जाएगा। काम करने में उसे कितने दिन लगेंगे, ठीक है, तो कितना निकलेगा? सिंपल से 400 दिन, ठीक है, 400 दिन निकल आया। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल किसका है भाई साहब? मेंसुरेशन का सवाल है। क्या है? एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1200 वर्ग मीटर है, ठीक है। हमें तो इतने से ही सवाल दिखने लगा कौन सा है, ठीक है। यदि लंबाई भुजा वर्ग और छोटे भुजा, बच्चों का सवाल है समझे, लंबी भुजा की लंबाई कितनी होगी, 3-4। यहाँ पर गलत भी लिखा हुआ है क्या कि सही लिखा हुआ क्या है? चलिए सवाल करते हैं। एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ, समकोण त्रिभुज चतुर्भुज है, अच्छा चतुर्भुज है, ठीक है, समकोण चतुर्भुज मान लेते हैं, कुछ इस तरीके से होगा, आयत हो, वर्ग हो, कुछ भी हो सकता है। समकोण चतुर्भुज 1200 वर्ग मीटर है, ठीक है, तो ए मान लो, बी मान लो, ठीक है, ए इंटू बी, ठीक है, चतुर्भुज है तो ए इंटू बी बराबर 1200 वर्ग मीटर, ठीक है, सिंपल सा है, आयत हो गया। समकोण चतुर्भुज का मतलब होता है भाई साहब आयत, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सिंपल सा है। फिर उसने कहा यदि लंबी भुजा का वर्ग, यदि लंबी भुजा का वर्ग अर्थात बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर 700 के, तो पूछ रहा लंबी भुजा की लंबाई बताओ, ठीक है, 4 × 16 3 × 9 देखो हो गया सवाल, 40 × 30 अगर हम मान लें, 40 × 30 तो ये 1200 आ गया, 4 × 16 100 -900 700 आ गया। अब वो जो पूछ रहा है वो निकाल लो, तो लंबी भुजा की लंबाई 40 30 दो लंबाई है अर्थात 40 सेंटीमीटर लंबाई आ गया, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है, सिंपल सा सवाल है, कोई दिक्कत। अगला सवाल देखते हैं। प्रिज्म आ गया आपका, प्रिज्म कोई दिक्कत नहीं, डरना थोड़ी ना किसी सवाल से, प्रिज्म भी पूछो। अब कुछ लोग कहेंगे प्रिज्म नहीं आता है, तो भाई साहब देख लो 13/12/2017 प्रिज्म दे दिया, अब मेंसुरेशन वगैरह पढ़ते हैं वो प्रिज्म है एक, ठीक है। तो हमने एक चीज आपको बताई थी शुरुआत के पहले प्रैक्टिस सेट में, जो लोग पहली बार देख रहे हो वो जाकर वहां से देख सकते हैं, कि किसी भी चीज का अगर आपको आयतन निकालना हो, आयतन, तो हमेशा याद रखना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू हाइट होगा या नहीं होगा, सिंपल सी बात है, ये आपको पता है। ठोस प्रिज्म है, उसका आधार एक त्रिकोण है जिसकी भुजाई है, उसकी ऊंचाई है, तो प्रिज्म का कुल सतह क्षेत्रफल, पार्श्व क्षेत्रफल और परिमाण का मतलब होता है भाई साहब आयतन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऐसा कुछ आकृति रही कि प्रिज्म का आधार क्या है, जिसकी 6/10 अर्थात समकोण त्रिभुज है, कुछ ये होगा और इसके ऊपर ऐसे करके कुछ बना होगा, मतलब आप समझाऊं कैसे यार, इस तरीके की आकृति होगी, नीचे का जो बेस होगा वो त्रिभुजाकार होगा, ऊपर का भी बेस त्रिभुजाकार होगा, ठीक है, और हाइट होगी, ठीक है। बेलन होता तो बेलन में क्या होता भाई साहब, मान लो आपका बेलन होता है, तो यहां पर बेलन ना होके कुछ इस तरीके से ऐसे, ठीक है, 3D फिगर है तो इस वजह से ऐसे आप देख सकते हैं, ठीक। तो ये है, इस तरीके की आकृति है, तो उसने कहा कि त्रिभुज है ये, तो हमने आपसे कहा एरिया क्रॉस सेक्शन इनटू हाइट, तो क्रॉस सेक्शन जब आप इसका लेंगे तो क्रॉस सेक्शन क्या निकलेगा, नीचे वाला त्रिभुज कैसा, समकोण त्रिभुज है, त्रिकोण है, 6/8/10 का मतलब ट्रिपलेट बनना, 3/4/5 से हमने देख लिया, 3/4/5 6/8/10, ठीक है, ट्रिपलेट बनना, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा मुझे बताओ 1/2 6 × 8 होगा या नहीं, तो एरिया क्रॉस सेक्शन कितना निकल गया, 24। हमें पता चल गया कि एरिया क्रॉस सेक्शन इतना है, तो हाइट कितनी दे रखी, 10, तो हमारा सिंपल सा 240 इसका घन सेंटीमीटर आयतन निकल आया। तो केवल एक ही ऑप्शन में है आयतन, यही तो है भाई, साफ साफ दिखा परिमाण कितना होगा, घन सेंटीमीटर, सी इज द राइट आंसर। कितनी आसानी से हमने दो चीजें और नहीं निकाली, कोई जरूरत ही नहीं, ऑप्शन में सभी अलग अलग, हमने ये टिक मार दिया, लेकिन अगर अब आपको निकालना हो तो वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं उसको, कि अगर आपसे पूछ रहा पार्श्व सतह क्षेत्रफल और कुर्स सतह क्षेत्रफल, देखो बताता हूं, पार्श्व का मतलब पूछ रहा है वक्र पृष्ठ, सिंपल सी बात है भाई साहब, वक्र पृष्ठ पूछ रहा, तो वक्र पृष्ठ में ये दोनों तो नहीं जुड़ेंगे, सिंपल सी बात है, ये दोनों नहीं जुड़ेंगे, ठीक है। तो जब ये दोनों नहीं जुड़ेंगे तो क्या होगा, आप बताइए। तो यहां पर एक बात मैं और ऐड करना चाहूंगा कि बेलन जो आपका होता है, बेलन ये भी एक प्रिज्म है,
ठीक है, और जो शंकु होता है वो एक पिरामिड होता है, ठीक है। तो आइए इसी से कंपेयर करते हैं। तो जब आप इसका वक्रपृष्ठ निकालते हैं, वक्रपृष्ठ निकालते हैं तो कितना होता है भाई साहब, 2πr(h), यही तो होता है 2πr(h). 2πr क्या है आप बताएं, 2πr क्या है, परिमाप, परिधि है, यही तो है, सिंपल सी बात है। तो कितना होता है 2πr(h), 2πr क्या होता है, परिमाप, आधार का परिमाप। अर्थात इससे फार्मूला बन गया वक्रपृष्ठ का, प्रिज्म के वक्रपृष्ठ का फार्मूला, प्रिज्म के वक्रपृष्ठ का। मैंने कनेक्ट करके बताया जिससे आप कभी भूले ना, तो आप प्रिज्म का एक अलग फार्मूला याद रखें, तो आप बेलन का अगर आपको याद है तो आपको पता चल जाएगा। सिंपल सा होता है आधार का परिमाप इंटू हाइट, आधार का परिमाप इंटू हाइट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो जब आधार का परिमाप इंटू आप हाइट करेंगे तो आप सिंपल सा देखिएगा, तो यहाँ पर आधार क्या है भाई साहब, एक त्रिभुज है, त्रिभुज है, तो उसका परिमाप कितना होगा, 6, 8, 6, 14, 10, 24 इंटू 10, अर्थात आधार का परिमाप उसका होगा 24, और हाइट कितनी भाई साहब 10, तो कितना आ जाएगा 200। सिंपल सा आ गया, कोई दिक्कत। अब हमें यह पता चल गया कि 240 उसका वक्रपृष्ठ है, थोड़ा सा कलर चेंज करता हूं, 240 उसका वक्रपृष्ठ है, यह पता चल गया पार्श्व सतह का, ये वाला इसमें, ठीक है। तो अब पूछ रहा कुल वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, तो ये दोनों और जुड़ जाएंगे, जुड़ जाएंगे नहीं, इनका और क्षेत्रफल जुड़ जाएगा तो निकल आएगा, सिंपल सी बात। तो 240 प्लस 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, अर्थात 1/2 6×8 होता है 24, तो 24 और 24 दो चीजें और जुड़ जाएंगी, 24 ये नीचे का और 24 ये ऊपर का, तो 48 और जुड़ जाएगा, अर्थात 288 इसका आ जाएगा कुल वक्रपृष्ठ क्षेत्र। सिंपल सा सवाल है, तो ये देखिएगा हमने एक ही चीज निकाल के तीनों निकाल दी, क्योंकि सभी में अलग अलग है, देखिएगा तो आप बड़ा आसानी से यार कर सकते हैं, तो एक लगाओ टिक मारो आगे बढ़ो, सभी को निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये सब समय बचाने की तरकीबें हैं, उनको समझना बहुत जरूरी है। देखते हैं अगला सवाल, बच्चों वाला सवाल, 3 मोबाइल 1 वॉकमैन की कीमत इतनी है, जबकि 5 मोबाइल, हमेशा ऐसे सवालों को इक्वेशन से लगाएं, 3a + b = 80 कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, 0 हटा सकते हो, 3 0 हटा दें इनका कोई मतलब नहीं, दोनों जगह दिए गए, इनसे आप बच सकते हैं। 5 मोबाइल अर्थात 5a + 2b की कीमत 15 है, तो ये यहाँ से हमने 3 0 हटाए, 3 0 यहाँ से हटाए, तो यहाँ पर 150 होगा, 3 0 वहाँ से हटाए, ठीक है। तो दोनों से आप हल कर लीजिए, इसमें 2 का गुणा कर दीजिएगा सिंपल सा, तो इक्वेशन बराबर हो जाएगी, तो 6a + 2b = 160 के, तो 5a + 2b = 150 के, ठीक है। तो ये से ये कट गया, जब आप माइनस करेंगे तो a बराबर आपका कितना आ जाएगा, 6 में से 5 गया 10, और कितने 0 हटाए थे भाई साहब, 3, तो 3 लगा दो, पूछ के सारा मोबाइल की कीमत ना 10,000 आ जाएगी, सिंपल सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। हमने देखिएगा 3 0 ये लेकर नहीं चला तो कितनी कैलकुलेशन आसान लगेगी, यही थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, एक दिमाग में वर्डन हो जाता है, उस वर्डन को कम करने की आदत डालिए, ठीक है। ये पूछ रहा अपनी सामान्य चाल से, अपनी सामान्य से 3/4 रफ्तार से चलते हुए रमेश गौर पहुंचने में 20 मिनट की देरी हुई, रमेश गौर में सामान्य कितना समय लगेगा। अपनी सामान्य से एक चीज आप समझ लें कि मान लेता हूं यहां पर अपनी सामान्य से 3/4 था, ये चाल है, ठीक है, वो अपनी सामान्य चाल से 3/4 रफ्तार चलते, और हमने मान ली कि 4 उसकी रफ्तार है, तो इससे 3/4 चल रहा था, 3/4 का मतलब 4 से उसने 3 कर दी, तो ये स्पीड का रेशियो है, किसका है भाई साहब, स्पीड का। तो स्पीड का रेशियो अगर डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस सेम का मतलब है दूरी समान, अगर डिस्टेंस सेम है तो कुछ नहीं करना आपको, 4 3 है तो यहां कितना होगा, 3 4 होगा, क्यों होगा, क्योंकि चाल गुणा समय बराबर दूरी के, चाल गुणा समय बराबर दूरी, यही तो होता है। अब दूरी अगर समान है तो चाल बराबर क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, इनवर्स, ठीक है, तो वही चीज है, तो 4/3 तो टाइम कितना होगा, इसका उल्टा होगा, तो अब 3 से 4 टाइम, मतलब यहां डिफरेंस कितना है रेशियो में 1 का, वहां कितना है 20 मिनट का, 20 मिनट का है या नहीं, सिंपल सी बात है।
तो वो पूछ रहा रमेश को घर पहुंचने में सामान सामान्य चाल उसकी ये है पहले, ये तो उसके बाद जब ये एक्शन हुआ तब ये चाल आई, मतलब सामान्य चाल आपकी ये होगी, उसके बाद बड़ी घटी चाल ये होगी। भाई उसने उसको क्या कहती 3/4 अर्थात घटी चाल है, ठीक है। तो सामान्य से पूछ रहा, तो सामान्य से लगने वाला टाइम भाई साहब कितना होगा 60 मिनट, 20 1 का 20 वैल्यू तो 3 कितनी होगी 60, अगर हम घटने के बाद पूछ दे तो 80 मिनट, 4 × 80, ठीक है। एक्शन के बाद क्या होगी नई चाल उसकी कितनी होगी, अरे नया समय कितना लगेगा 80 मिनट, चाल कितनी होगी 3 कम होगी, है ना, 4 से उसने 3 कर दी। सिंपल सा सवाल है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ऐसे सवाल आप हमेशा इसी तरीके से लगाएं। 2001 के बाद, 2001 के पहले वो कौन सा सिलेंडर होगा, लीप ईयर का तो मैंने बताई दिया आप 28 जोड़ेंगे, ठीक है। यहां पर उसने पूछा 2000 के पहले वो कौन सा साल होगा जिसका कैलेंडर 2001 के जैसे होगा, ठीक है। तो इन जैसे सवालों को केवल आप किस तरीके से कर सकते हैं, हमेशा जब इस तरीके से मान लीजिए यहाँ पर लीप ईयर तो है नहीं, तो ये जो है आपका ऑड डेज, ठीक है, ऑड डेज पर पूरा गेम डिपेंड होता है, ठीक है। अगर हम इसको इस जैसे सवालों को हमेशा ऑप्शन से करें, ऑप्शन से अगर आप करेंगे तो पहले छोटे छोटे वालों को देख लेते हैं, जैसे 1999 हुआ, 2001 हुआ, तो 2001 एक कैसा साल होगा आप बताइए, तो होगा इसमें 365 दिन होंगे, सिंपल सी बात है। तो इसमें शेष कितना बचेगा, जब आप भाग देंगे 7 × 5 = 14, 1 और एक और डेज बची कि शेषफल का मतलब होता है एक विषम दिन, ठीक है। तो 2000 में इसमें 2 दिन बचेंगे क्योंकि ये क्या है लीप ईयर है, 400 का भाग जाएगा, है ना। तो जैसे ही आप इसमें 400 का भाग में चला जाएगा तो इसमें 2 दिन, तो 2 × 1 = 3 दिन, 1999 तो कभी नहीं पड़ेगा, कभी भाई 3 दिन में थोड़ी ना, 7 का पूरा भाग जाना चाहिए तभी रिपीट करेगा, सिंपल सी बात है, तभी वो कैलेंडर पूरा रिपीट करेगा। ये ऑप्शन से बाहर हुआ 1999। अब देखते हैं 2004, 2001 के बाद 1, 2, 3 अर्थात 1, 2, 3, 4 भी नहीं होगा क्योंकि 3 है और डेज है खत्म। अब आप देख सकते हो या तो 2011 है 1990, तो हमने सोचा कि लाओ 1990 देख लें। तो जैसे ही आप 1990 देखेंगे, ठीक है, तो आप समझिए किस तरीके से देखेंगे, तो यहाँ पर तो 2 हो गया, 1999 में कितना होगा भाई साहब 1, 98 में 1, 4 से नहीं कटेगा, ठीक है। 98 97 में कितना होगा और डेज 1, फिर 96 में कितना होगा 2, 24 × 96 2, 95 में कितना होगा 1, ठीक है। 93 में कितना होगा भाई साहब ऑड डेज 1, 92 में कितना होगा ऑड डेज 23 × 92 2 होगा या नहीं। उसके बाद आप देखेंगे 91 में कितना होगा 1, और 90 में भी 1, ठीक है, लेकिन 90 तो दिया होगा। तो अब आप इसको जोड़ लें, तो जब आप जोड़ने निकलेंगे भाई साहब 2001 है 1 के पहले, तो जोड़िएगा 1 पहले की बात कर रहा, 2 1 3 1 4 1 5 2 7 1 8 1 9 9 के बाद, अरे कहाँ गया भाई, 2 1 3 1 4 1 5 2 7 2 9 2 11 1 12 और 1 ये वाला 13, ठीक है, और 1 90 वाला कितना होगा 14, अर्थात 14 7 से पूरा टोटल भाग हो जाएगा, तो विषम दिनों की संख्या 14 होगी जो 7 से पूरी विभाजित होगी, अर्थात 1990 का जो कैलेंडर होगा वो 2001 के बिल्कुल समान होगा, पूरा ही पूरा गेम विषम दिन का होता है दोस्तों, तो उस चीज़ को आप अच्छे से समझें, ठीक है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगला सवाल क्या दे रखा है इन्होंने, 16 नंबर, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक क्रिकेट मैच के पहले 20 ओवरों में भारत का प्रति ओवर रन रेट 7 रन था, जब 45 ओवर में 425 रन का लक्ष्य पाना है, भारत के लिए न्यूनतम अपना कितनी औसत बनाए रखने की जरूरत ताकि ये पक्का हो जाए कि वो खेल जीत सकें। तो पहले तो यहाँ पर समझो, भारत और ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट मैच के पहले 20 ओवरों में भारत का प्रति ओवर रन 7 था, तो यहाँ से हम ये निकाल सकते हैं कि टोटल रन कितने बने, भाई 140 बने कि नहीं, 20 × 7 140 सिंपल सा निकल आएगा कि नहीं, फिर 7 रन बने, रन था। अब 45 ओवरों में 225 रनों का लक्ष्य पाना है, 45 ओवरों में 225 रनों का लक्ष्य पाना भारत के लिए न्यूनतम कितने औसत बनाए रखने की जरूरत है ताकि ये मैच, पहले 20 ओवर हो चुके हैं 45 में जीतना है, ठीक है, ओवर कितने बचे हैं भाई साहब 25 ओवर बचेंगे नहीं, आप बोलेंगे यस सर बचे, टोटल रन कितने हैं 425 का लक्ष्य, इतने तो बन चुके हैं, बचे कितने रन है आप मुझे बताएं, तो 5 12 में से 4 गया 8 और 3 में से गया 285,
285 रन बचे या नहीं, तो 285 रन बनाने कितने में है, 25 ओवरों में, तो 285/25 भाग दे दो, तो 25 से कम 25, 25 तीन, 25 से कम 25, 11.4 इसका सिंपल सा आंसर, आपका आंसर आ जाएगा 11.4। ठीक है, सिंपल सा है, इसमें कुछ है नहीं, क्रिकेट आप लोग देखते होंगे तो बड़ा आसानी से समझ जाएंगे इस सवाल के, इसमें कुछ ऐसा है नहीं। चलते हैं अगले सवाल, अगला सवाल क्या है, DI है, तो इसको हम बाद में देख लेंगे, अगली क्लास में देख लेंगे, आज सवाल ही लगा लिए जाए ना जल्दी जल्दी। एक्स और वाई एक काम को 12 दिनों में करते हैं, 10 एक्स और वाई एक काम को 12 दिनों और 10 दिनों में पूरा करते हैं अलग अलग। जेड की मदद से एक्स और वाई को मिलकर इतना वेतन मिलता है और कुल वेतन में इस काम को 5 दिनों, कुछ गड़बड़ है इन लोगों का, ठीक है, कुछ मिसिंग है, सवाल ये है जो मुझे समझ में आ गया, आपको भी आ गया, वैसे सवाल बहुत लगाऊंगा। एक्स करता है 12 दिन में, वाई करता है 10 दिन में, जेड का पता नहीं है और तीनों मिलकर 5 दिन में करते हैं, ये है, यही तो है, तो इसका एलसीएम कितना होगा, 60, तो 12 पंचे 60, 10 छक्का 60, और ये कितना आ गया भाई साहब, 5 से 12, 6 5 11 1 60, 6 5 11 1 12, 12 पंचे 60, 500, तो 500 रुपये इज द राइट आंसर, इसका पूछ रहा, ठीक है, जेड का पूछ रहा है ना, तो 500 रुपये, सिंपल सा सवाल है। चलते हैं आगे, अगला सवाल जो दिया हुआ ये देखिएगा, 0.23 मतलब 0.23 और ये चलता जा रहा, अर्थात ये को भिन्न में बदला जाए तो परिणाम कितना है, हमेशा ऐसे सवालों को याद रखना, अगर वही चीज रिकर हो रही है तो होगा क्या, ये आपने पढ़ा होगा, अगर ऐसे लिख देता तो आप तुरंत कर दे, लेकिन उसने ऐसा नहीं लिखा है तो आप कंफ्यूज हो गए, तो 0.23 के ऊपर बार लगा, अर्थात इसको जब सिंपल भिन्न में किया जाता तो दोनों हो जाता है, सिंपल सा सवाल है, उतने नौ कर दिया जितने अंक पर बार होता, 23/99 इज द राइट आंसर, ये क्यों किया जाता वो फिर कभी बाद में बता दूंगा, ठीक है, मुझे ये पता, अरे उसके लिए कुछ नहीं किया, x बराबर मान लो कि 0.23 है, ये है, ठीक है, तो इसमें अगर हम 100 से गुणा कर दें तो 100x हो जाएगा या नहीं, आप बोलेंगे यस सर हो जाएगा, ठीक, तो 100 से क्यों? ये देखिए इनफाइनाइट टर्न है, इनफाइनाइट तक गया, देखो डॉट 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 इंड नहीं है, इनफाइनाइट तक होगा तभी लगेगा, ठीक है, तो इनफाइनाइट में अगर हम अब 100 का इधर गुणा किया तो 100 का इधर भी करोगे तो कितना हो जाएगा, 23.2333, ये भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, इससे कोई फर्क, इनफाइनाइट टर्म में किसी भी अंक का गुणा कर दो कोई फर्क नहीं डालता, वो इनफाइनाइट ही रहेगा, ठीक है, तो यहाँ पर दशमलव केवल खसक गया, तो इससे इसको जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 99x = 23, ये वाला जो सेक्शन है 0.3 ये कट जाएगा, है ना, तो ये आ जाएगा एक्स बराबर 23/99 हमें भिन्न प्राप्त हो जाती है, ये है लगाने का तरीका, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल पर, अगला सवाल दिया कि अतुल ने एक साइकिल उसकी कीमत की 3/4 दाम पर खरीदी, 3/4 का मतलब 75 पड़े, कुछ भी मान लो यार 100 मान लो, ठीक है 100 मान ली हमने तो वैल्यू मान लो भाई साहब 100, ठीक है सिंपल सा आप 100 मान लीजिएगा, 3/4 भाग अर्थात कितना हो गया 4/75, या तो 75% 3/4 75% होता तो ये बचा 25, ठीक है 3/4 भाग, उसने क्या कि क्या है सवाल क्या है, अतुल ने एक साइकिल उसकी कीमत से 3/4 दाम पर खरीदी थी, अच्छा 75 रुपये में खरीदी, उसे उसकी अंकित कीमत से 20% ज़्यादा दाम पर बेची, अर्थात इससे ज़्यादा दाम पर, यही तो अंकित मूल्य 2100 हमने माना, तो 125 में बेची, तो पूछ रहे हैं भाई साहब कि लाभ प्रसद मुनाफा प्रसद 75 से 125 कितने का लाभ है, 50 का बताइए, 50 का लाभ, ठीक है तो मुनाफा प्रतिशत बताइए, तो 50/75 × 100, तो 25 × 75 = 2100, तो ये कितना हो गया 500 200/3, 200/3, ठीक है गलती हो गई यार, यहाँ पर देखिए तभी कह रहे हैं कि गड़बड़ कैसे हो गया, ये देखिए 25% जो बढ़ाए वहाँ पर 20% ज़्यादा है, ये 120 होगा यार, सॉरी 120 होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 120 से 145 घटाओगे तो भाई साहब 45 आएगा यहाँ, तो भाई 5 वहाँ से कम हो गया, तो अरे दोबारा ही कर देता हूँ, तो ये 100 से 120 बढ़ा, ये कितना था भाई साहब 75, तो यहाँ से ये कितना बढ़ता है 45, कहाँ से 75 से 15 30 तय 45 15 × 60 15 / 75 सॉरी
ठीक है, 3/5, 3/5 है मतलब 60%। सिंपल सा सवाल है, कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, 3/4 था पर उससे 20। ठीक है, ये भाई एक ऑनलाइन कोच में परीक्षा पूछते थे, 10 उम्मीदवारों को बुद्धिलब्धि परीक्षा गुण दिया होता है, तो बुद्धिलब्ध परीक्षा को बहुलक, बहुलक क्या होता है, जो अंक सबसे बार आए वही बहुलक, जो ज़्यादा बार रिपीट होता है। इसमें कौन सा अंक सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ, 8, 6, 5, तो देखिएगा कौन सा हो रहा है यहाँ पर सबसे ज़्यादा, 8 तो है ही नहीं, 6 दो बार है, 3 बार है, तो बस 6 इज द राइट आंसर। सिंपल सा सवाल है, 5 दो बार है, ठीक है, 6 इसका सही उत्तर हो जाएगा। रविवार तो 21 नवंबर को कौन सा दिन होता है, अक्टूबर में कितने होते हैं भाई साहब, 31 दिन। सिंपल सा सवाल, 21 दिन होते, 31 दिन सॉरी 31 डेज होते, तो 21 लिखा हुआ तो कितना, 10 और जोड़ देंगे, 10 अक्टूबर के दिन और 21 नवंबर, तो यहाँ पर 21 दिन किसके होंगे, सिंपल सी बात है, नवंबर के, नवंबर के, उसके 21 नवंबर को, तो 21 नवंबर कौन सा दिन होगा, तो ये देखिएगा, 7 से भाग दोगे तो क्या होगा बताओ, 7 से ये वाला तो कट ही जाएगा, यहाँ पर एक भाग दोगे 3 रिमाइंडर आ जाएगा, चाहे जोड़ के भाग दे लो चाहे इस तरीके से भाग दे लो, रिमाइंडर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 3 आ गया, सिंपल सा है। तो रविवार प्लस 3 कर दो, सिंपल सी बात है भाई साहब, सोमवार, मंगल, बुधवार, बुधवार इज द राइट आंसर। सिंपल सा सवाल है, ठीक है, चलते हैं अगले सवाल। अगला सवाल इन्होंने दिया है कि दो रेलवे स्टेशन ए और बी के बीच की दूरी 110 किलोमीटर की दूरी पर है, ट्रेन एम स्टेशन से सुबह 7 बजे निकलती है, बी की ओर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, पी स्टेशन से सुबह 8 बजे निकलती है और स्टेशन की ओर 25 किलोमीटर तक चलती है, तो वो दोनों कितने बजे मिलेंगी। तो ये तो सिंपल सा सवाल है, देखो करने का प्रवेश बताता हूँ, यहाँ पर देखिएगा, ऐसे एक बनाइएगा टाइमलाइन, ठीक है, समझते हैं। ए और बी के एक दूसरे से 100, ये ए मान लो, ये बी मान लो, ये दोनों जो है 110 किलोमीटर की डिस्टेंस है, ठीक। ट्रेन ए ये वाली ट्रेन है, सुबह 7 बजे निकलती, 7 AM स्टेशन बी की ओर जा रही, कितने, 20 किलोमीटर रफ्तार से, पी स्टेशन बी से 8 बजे निकलती, ये 8 बजे यहां से निकलती 8 AM, ठीक है। तो एक मुझे बात बताइए कि 7 से 8 भी तो ये कुछ चली होगी, 7 से 8 बजे के बीच ये चली होगी ट्रेन भाई, ठीक है, अकेले चली होगी, तो अगर हम वो डिस्टेंस निकाल दें फिर दोनों को साथ चला देंगे तो बड़ा आसानी सवाल हो जाए, देखो इस तरीके से। तो ये ए से जो चल रही है ट्रेन एम स्टेशन, 7 मिनट, स्टेशन बी को 20 किलोमीटर प्रति घंटा, अर्थात एक घंटे में ये जा रही, एक घंटे में 20 किलोमीटर, तो 7 से 8 एक घंटे में कितनी गई होगी, 20 किलोमीटर चल गई होगी। तो अब यहां से डिस्टेंस कितने बची, 90 किलोमीटर बची। अब यहां ए आ गया होगा, अब यहां से ए भी चलेगा और बी भी चलेगा, चलेगा कि नहीं, सिंपल सी बात है। तो ए चलेगा 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से और बी कितने से चलेगा, 25 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, 25 किलोमीटर प्रति, तो 20-25 दोनों जब डिस्टेंस एक दूसरे की तरफ आती है तो चालें क्या है, जुड़ जाती, अगर एक दूसरे की तरफ आ रही तो क्या होती है, स्पीड जुड़ जाती, तो 20 और 25 कितना हो गया, 45, और डिस्टेंस कितनी भाई साहब, 90, तो 90/45 कितना हो गया, 2 घंटे, 2 घंटे हो गए नहीं, तो अर्थात अब हम बोल सकते हैं कि वे दोनों कितने बजे मिलेंगे, तो ये भाई साहब मिलेंगी 8, 8, 2, 10, 10 बजे सुबह, 10 बजे सुबह दोनों मिल जाएंगी भाई, यहां बज गया 8 बजे, फिर ये 1 घंटा ये चली, 1 घंटा ये, अर्थात 2 बजे ये मिल जाएंगे, 10 बजे मिल जाएंगे। सिंपल सा सवाल, हमने क्या किया, ए को चला दिया साथ, एक घंटे में इसने अकेले चला होगा, बाद बाकी ये दोनों साथ चले होंगे, 90 किलोमीटर की डिस्टेंस इन दोनों ने साथ में कवर की होगी, ठीक है। सिंपल सा सवाल है, तो कोई इशू नहीं आना चाहिए। एक व्यक्ति के 2 बच्चों वाला सवाल, एलिगेशन, 84 रुपए बेच में 120% का मुनाफा खाता, अर्थात 120% बराबर 84 के, तो 100% की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी, ठीक है, ये भी सीपी, तो जो एलिगेशन होगा वो भी सीपी में ही होगा, सीपी का मतलब क्रैमुल, ठीक है, ये हो गया 6, 5, 6 का मतलब 6 से 84 काटोगे तो 14 आएगा, ठीक है, 14 × 5 = 70, ठीक, सिंपल सा है, तो 60, 85 और 70 में एलिगेट कर दो, तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ 10, ये 15, 3:2 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए, ये बी। 60 के गुणन खंडों की संख्या बताइए, अब आपको बताना है कि भाई साहब 60 के गुणन खंडों की संख्या बताइए,
60 के गुणनखंड, तो इसका एलसीएम निकालोगे तो क्या होगा बताओ? 2 की पावर 2 × 3 की पावर 1 × 5 की पावर, यही तो एलसीएम होगा। एलसीएम इस तरीके से जब यार निकालोगे, ठीक है, तो अब कुछ नहीं, इसमें एक जोड़ दो, सभी में एक इसमें जुड़ जाएगा, एक इसमें जुड़ जाएगा, तो 2 × 1 = 3, 2 और ये कितना है भाई साहब, 2 × 3 = 2, 2 अर्थात 3 × 2 × 12 इसके फैक्टर होंगे। गुणनखंडों की इतना कितनी होगी 12। हमेशा याद रखना, जब भी कभी गुणनखंड निकालने हो, जब आप एलसीएम निकालते, जो भी संख्या जैसे पावर बनी हो, 2 की पावर 2 यहाँ पर बना, 3 की पावर 1 × 5, तो पावर में एक अपनी तरफ से जोड़ दिया जाता, पावर में अपनी तरफ से एक जोड़ दिया जाता और सिंपल सा उसमें गुणा कर दो अगर गुणा हो रहा है, ठीक है, सिंपल सा सवाल। अगला सवाल क्या है, ये तो बच्चों वाला सवाल ही यार, आप खुद कर लो, तो ऐसे ही दिख रहा कि 8 × 3 = 24 और 25 का 4/5 कितना होगा, 20, तो 24 में से 20 गया, कितना बचा, 4 इज द राइट आंसर, ठीक है। शिवा ने क्या है ये सवाल, 29 नंबर, शिवा ने एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की, ब्याज दर 3 साल की अवधि के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर कितना होगा, बच्चों वाला सवाल है। 6 × 36 RT% कितना होगा, साधारण ब्याज कितना होगा भाई साहब, 18% होगा, या नहीं 3 साल का 6% 3 साल की 18%, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, चक्रवृद्धि, ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, अगर चक्रवृद्धि मिश्रधन यहां से अगर हम निकाल लें तो हमें ये पता होना चाहिए कि x + y + xy = 500। अब मुझे तो वो चीजें याद है लेकिन आपको मैं बताऊंगा, ठीक है, तो 2 साल का 6 से कैलकुलेट कर लो, एक बार फिर कैलकुलेट कर लो, तो हमें 3 साल का क्या मिल जाएगा यहां पर, मिश्रधन मिल जाएगा, सिंपल, ठीक है, तो यहां से कितना होगा, 19, 10, 16 चक्रवृद्धि ब्याज होगा, सॉरी मिश्रधन नहीं, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, इस बात को याद रखना, ये हमें चक्रवृद्धि ब्याज मिल जाएगा 3 साल का, और इससे अगर इसका डिफरेंस निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, 1.10 बस इनटू 20, तो 11 × 2 = 22 ऑप्शन नंबर सी। अब ये किया क्या है, थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, ये तो मेरा तरीका, आप या तो देखिएगा कोई भी दर हो, जैसे मान ली 4%, मैंने कहा 2 साल के लिए निकालना है इसका, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, x + y + xy / 100 यही तो करेंगे, तो इसका आ जाएगा 4 × 2 = 8, 4 × 4 = 16, 8.16 है ना। अब इसी पर अगर हम 1 साल और ऑपरेट कर दें तो हमें 3 साल का पता चल जाएगा कि नहीं, 3 साल का पता चल जाएगा, सिंपल सी बात, तो वही मैंने यहां पर किया, दर कितनी दी 6%, तो हमें पता चल गया 6 × 2 = 12, 6 × 36 = 12.36, एक बार और 6 लगा दिया, तो 12 × 6 = 18 + xy / 100, ठीक है, तो ये मुझे याद है, चाहे आप 2 की देखेंगे तो भी मुझे याद है 6 × 12 = 8, ठीक है, 3 का देखेंगे तो 9 × 12 = 27, ठीक है, 4 का कितना होगा आपका 12 × 48 = 64, तो इस तरीके से मुझे याद है, ठीक है, तो ये भी अगर आप याद कर लेंगे तो ज़्यादा आसानी रहेगी, बहुत से टीचर इस तरीके से, अगर आपको उस तरीके से नहीं करना है तो मैं दूसरा भी तरीका यार बता दूंगा, तो फिर आप सिंपल सा है तरीका, यहां से आप इसका निकाल लें भाई साहब ब्याज 2000 साधारण ब्याज निकाल लेंगे यहां से 6 × 3/100, तो ये कितना हुआ 36 × 18 × 2 = 36, 360 रुपए यहां से आ गया। अब 3 साल है तो 3 साल में फार्मूला लगा दो, a = p1 + r / 100 की पावर, ठीक है, वो वाला फार्मूला लगा दो, सिंपल सा वहां से निकालो, फिर उससे घटा देना, तब भी आंसर आ जाएगा, तो आप इस तरीके से करना चाहें आप कर सकते हैं, ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पर, ये हो गया। 1 ₹5 में कितनी चीजें वो बेचे, क्या है, एक आदमी ने 5 चीजें 1 रुपए में खरीदी, ठीक है, तो 1 रुपए में कितनी चीजें बेचे कि उसे मुनाफा हो जाए, सिंपल सा सवाल है, 5 चीजें उसने 1 रुपए में खरीदी, उसे कितने में बेचनी चाहिए ताकि उसे, तो ताकि उसे 25% का मुनाफा हो जाए, तो 5 से अगर 6 में बेच दे तो 1/4 × 1/5 तो 20% का हो गया, 1/4 है ना, 4 की चीज अगर 5 में बेच दे, ठीक है, तो सिंपल सा निकल आएगा 1/4 अर्थात 25% का लाभ हो गया, या नहीं, 4 की चीज 5 में बेच दे तो उसको मुनाफा हो जाएगा 25% का, ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल इसने क्या दिया है, अजय ने अपनी जमा पूंजी के बैंकों के लिए गिरा से साधारण ब्याज 2 साल से 1120 और 5 साल में 1300 होती तो मूल राशि कितनी होगी लगभग में, साधारण ब्याज है, अजय ने अपनी जमा बैंक में निवेश की तथा राशि साधारण ब्याज से
82 2 साल में 1100 5 साल में 1300 रुपये हो जाती है, तो मूल राशि कितनी होगी? तो 2 साल और 5 साल के अगर हम यहाँ से डिफरेंस निकाल लें, 1300 1120 का डिफरेंस अगर हम निकालें तो 80 और ये 180, ठीक है 180 आएगा कितने साल का, 3 साल का, 3 ईयर का हमें पता चल गया 180 रुपये, तो 1 ईयर के कितने होंगे भाई साहब, 60 रुपये होंगे या नहीं, 1 साल के 60 रुपये होंगे, सिंपल सी बात है। आप बोलेंगे यस सर बिल्कुल होंगे। तो अब इसने कहा कि 2 साल में 1120 रुपये, इनका जो साधारण ब्याज का जो ब्याज होता पर ईयर सेम रहता, तो 60 साल अगर 1 ईयर का रहा होगा तो 2 साल का कितना रहा होगा, 2 साल का कितना रहा होगा भाई साहब, 120 रुपये रहा होगा नहीं। तो यहां पर आप देखिए कि 2 साल में 1120 रुपये, ये देखिएगा 1120 रुपये, तो इससे अगर हम 120 घटाएंगे तो हमें मूलधन बताएंगे, इसमें ब्याज जुड़ा हुआ है या नहीं, ये साधारण ब्याज है, 2 साल में साधारण ब्याज 1120 रुपये, अगर हम 120 घटा दें तो हमें पता चल जाए, तो बी इज द राइट आंसर, 120 घटाओगे कितना बचेगा, 1000 रुपये, ठीक है सिंपल सा सवाल है, इसी तरीके से लगाओगे तो कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आपका आ गया ये पासा वाला सवाल, ठीक है प्रोबेबिलिटी, इसको अभी छोड़ते हैं अगली क्लास में कर लेंगे क्योंकि इसमें थोड़ा समझाना पड़ेगा, वैसे भी 40 मिनट की क्लास हो चुकी है। अगला सवाल देखिएगा, सेम सवाल जो अभी हम लोगों ने ऊपर किया वही फिर आ गया, 33 नंबर, कि ए एक बिंदु से, यहां पर देखिएगा ए से सुबह 6 बजे 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गौतम बिंदु 7 बजे चलती है, दोनों एक दूसरे के अंदर 100 किलोमीटर डिस्टेंस, देखिए 100 किलोमीटर फिर डिस्टेंस, वहां पर 110 थी 100 थी। अब यहां पर देखिएगा हम अब इसको कैसे करेंगे, 6 बजे 20 किलोमीटर चली और ये 7 बजे चली, 1 घंटे ये चलेगी 20 किलोमीटर, ठीक है तो यहां पर कितना बचा, 80 किलोमीटर डिस्टेंस बच गई, ठीक है। अब ये दोनों ये बी से चलेगी ये ए से चलेगी, दोनों जुड़ जाएंगे 20 10 30 30 हो जाएगा, तो 8/3 हो जाएगा, नहीं 8/1 घंटा ये हो गया, और 8/3 का मतलब कितना होगा, 3 × 2 = 6, 2 सही 2/3, सिंपल सी बात है, 2 घंटा 2 सही 2/3, तो ये अभी मिनट है, इनको मिनट में बदल लो, अभी घंटे में, तो इसको जैसे ही हम मिनट में बदलेंगे 3 × 20 = 20 × 40, तो 2 घंटे 40 मिनट ये है, दोनों ने चली और 1 घंटा ये, तो 3 घंटे 40 मिनट, 3 घंटे 40 मिनट बाद ये मिल जाएंगे, अर्थात सुबह बज रहा था कितना 6, तो 6 में से 3 घंटा 40 जोड़ो कितना हो जाए, 9 घंटे 40 मिनट, अगर आप यहां से जोड़ोगे तो फिर 7 में जोड़ना, 7 बजे में जोड़ोगे तो 2 घंटा 40 मिनट जोड़ दो, तब भी 9 घंटे 40 मिनट आपका आंसर आ जाए, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, 45 मिनट की क्लास हो चुकी है, इन सवालों को फिर बाद में कर लेंगे, ये सवाल बचे और आपकी DI बची हुई, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जुड़े रहिएगा मैथ वॉरियर के साथ, इसका पार्ट 2, DI बची और 7 से 8 क्वेश्चन और बचे, वही 10 से 12 क्वेश्चन बचा हुआ, तो अगली क्लास में उसको भी निपटा लेंगे। तो ये थोड़ा सा पेपर पिछले पेपर की अपेक्षा काफ़ी सरल था, ठीक है, इसको आप बच्चों की तरीके कर सकते हैं, तो इसमें एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं, तो एग्जाम कुछ इस तरीके से ही रहेगा, नॉर्मलाइजेशन की पद्धति कभी सरल आएगा कभी कठिन आएगा, तो ये सब चलता रहता है। तो जुड़े रहे मैथ वॉरियर्स के साथ, जो कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा वो लाइक करें शेयर करें, कुछ आपको नया लगता हो तो आप टेलीग्राम में बता सकते हैं अपना सलूशन कि सर आप इससे और अच्छा कर सकते थे, ठीक है। बहुत से तरीके मैं नहीं बताता हूँ क्योंकि बहुत सी चीज़ें क्या पता मैं आपको बता दूँ कि आपको समझ में ही ना आए, ठीक है, तो इस वजह से बहुत सी चीज़ें मैं होल्ड कर लेता हूँ, थोड़ा सा बेसिक भी बता देता हूँ इसी वजह से किसी के बाउंस ना मार जाए, ठीक है। चलिए जुड़े रहिएगा मैथ वॉरियर्स से, मिलते हैं दोस्तों।